हाय सो हाय मैम सो हाउ यू फीलिंग कमिंग ओवर हियर यार बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा है फीलिंग हो रहा है यहाँ पे क्योंकि नया नया चीज देखने को मिल रहा है यहाँ पे नया प्लेयर्स और अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे और नया स्टेडियम भी देखने को मिला क्रिकेट का इंटरेस्ट है क्रिकेट में इन केस इफ यू गाइस डोंट नो हु इज ईसो एंड वेयर इज ही फ्रॉम ही इज फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार एंड ही इज ट्रीटेड एज द फास्टेस्ट रेसर सो ईसो कैन यू प्लीज शेयर अबाउट योर जर्नी दैट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओवरऑल फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड ओके मेरा पहला जर्नी स्टार्ट हुआ था 2015 के केरला नेशनल से त्रिवेंद्रम का तो मेरा वो फर्स्ट ट्रैक नेशनल चैंपियनशिप था तो उसमें मेरे को दो सिल्वर मिला था एक टाइम ट्रायल में और एक स्क्रैच रेस में तो मुझे सेलेक्ट किया था सीएफआई से वीएन सिंह सर जी ने तो मुझे नेशनल एकेडमी के लिए सेलेक्शन किया था और मैं नेशनल एकेडमी में फिर ट्रेनिंग किया और 2 मंथ के बाद फिर मैं नेशनल इंडियन टीम में के साथ फिर मुझे सेलेक्ट किया गया क्योंकि मैं बहुत अल्टीमेट निकला वहाँ से तो मुझे वहाँ से सीनियर के साथ ट्रेनिंग करने को मौका मिला फिर वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ फिर मैं इंटरनेशनल छोटा छोटा कॉम्पिटिशन खेलने लगा उसके बाद मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल था मलेशिया में तो उसमें मुझे 3 गोल्ड मिला था और एक रिकॉर्ड के साथ मैं सोच भी नहीं पाया कि ऐसा पहली बार हुआ है मेरा इंडिया में तो वो हिस्ट्री था एक वो भी एक हिस्ट्री था इंडिया के लिए तो ऐसा बहुत हमको ब्लेसिंग मिला सबसे और कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे मिला फिर उसके बाद मेरे जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप था मेरा फर्स्ट जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप तो उसमें मेरी सिल्वर मेडल था कैरियन रेस में तो वो भी बहुत मेरे लिए सबसे बड़ा रेस फिनिश वही था क्योंकि मैंने पहली बार जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडल क्योंकि मैं 0.1 सेकंड से मार खा गया उसे बट मैं उतना दुख नहीं है बट मुझे हैप्पी आया कि मैं इंडिया के लिए कुछ लेके आया तो एक हिस्ट्री था वो भी तो वो मेरे सबसे बेस्ट फिनिश था मेरे रेस के लिए तो वो सबसे बढ़िया था मेरा रेस और साथ ही हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं एडिशनल कमिश्नर नगर निगम मेरी मदर को जाता है क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि वहाँ पे एक सिलेक्शन हो रहा है तो मैं सोचा वो क्या सिलेक्शन हो रहा है मैं भी जाके देखा फिर मेरा हाइट चेक किया मेरा हाइट बहुत कम था उस टाइम और वेट भी कुछ नहीं था तो मुझे लिया गया फिर मैं रनिंग किया वहाँ पे 2 मंथ फिर मेरी फिजिकल फिटनेस लिया फिर मैं मुझे वो कोच रोइंग में ले रहा था साई वाला तो मैं सोचा रोइंग क्या करना है साइकिल आ रहा है वो गियर वाली साइकिल वो चलाएंगे हम तो मैं साइकिलिंग में आया फिर वहाँ से भी बहुत स्टार्ट हुआ मेरा लाइफ मेरा अल्टीमेट गोल है कि हमारा इंडिया ओलंपिक में जाए और मेडल लेके आए और अपना इंडिया को प्राउड फील कराए How was your experience in the Pink City? Because after 22 years, this championship has been organized here, right? यहाँ बहुत अच्छा है जो हमारे सर जो मैनेजमेंट कर रहा है वो हमको अच्छे रूम दिया है और बोला मुझे कि कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना बेझिझक अपने अंकल जैसे या किसी जैसा भी आप बोलिए मुझे बोला कि आपको गाड़ी चाहिए तो वो भी बोल देना और मुझे सबसे मीट भी कराता है जो भी गेस्ट आता है उससे बताता है कि ये ऐसा है और यहाँ पे म्यूजिक भी लगता है शाम को और बहुत अच्छा फीलिंग है कि रिलैक्स हो जाता है बॉडी तो पहला बार मैंने ऐसा मैनेजमेंट देखा जो नेशनल में जो म्यूजिक लगाते हैं हमारे लिए स्पोर्ट्समैन के लिए तो बहुत अच्छा लगा और यहाँ के सारे प्लेयर भी अच्छे मुझे मिलता है और बोलता है कैसे हो भाई बढ़िया कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया बहुत प्राउड हो रहा है तो एक अलग ही फीलिंग है पिंक सिटी में और मैं जब नाइट को बाहर निकलता हूँ तो दिल्ली में जैसे बाहर निकलता तो अच्छा नहीं लगता यहाँ जब निकलता तो ऐसा लगता है वाओ जयपुर तो नहीं घुमा बट मैं जब रूम से यहाँ तक आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फीलिंग होता है वो एगल में था स्विट्जरलैंड मेरा वो जो फर्स्ट सिल्वर मेडल था मेरा लाइफ का तो मैं उसको और अचीव करूँगा और वो जो सिल्वर था उसको गोल्ड में बदल के उसको और बढ़िया बनाऊंगा अल्टीमेट बनाऊंगा वर्ल्ड चैंपियनशिप था तो वहाँ पे टॉप राइडर आते पूरे वर्ल्ड का जितना भी और मैंने उसमें विन किया सिल्वर बट मैं हैप्पी हूँ बट उसको और हैप्पी करने के लिए इस साल मैं और मेहनत करूंगा वो अभी वार्मिंग अप कर रहा है या वो भी मेरा रूम पार्टनर ही है हम लोग साथ में हमारे एशियन चैंपियनशिप में भी सेम टाई लगा आज भी सेम टाई लगा तो बेस्ट फीलिंग था गुड ब्रदर सो लाइक एट द एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट हु इज योर आइडल फॉर साइक्लिंग है रॉबर्ट फोर्समैन फ्रॉम जर्मनी
क्योंकि उसका लेग बहुत मस्त है, तो मुझे भी मेरा टारगेट वैसे है कि मैं अपना लेग को ऐसा बड़ा बनाए। नो इवन योर लेग दैट या या आई कैन से दैट यू मेंटेन नाइस, सो वी आर रियली प्राउड ऑफ यू ईसो। थैंक यू मैम, सो वी वेलकम यू एंड आई वांट यू टू मेक इंडिया प्राउड, अस प्राउड एंड इवन योर मदर प्राउड बिकॉज़ शी वाज योर इंस्पिरेशन राइट, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।